वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रंगोली के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर रंगोली रखी हुई है और ये कलर है। आप दोस्तों जब भी रंगोली का काम करते हैं, पोर्ट्रेट का काम करते हैं, तो आपको इस कलर की ज़रूरत पड़ सकती है और ये कलर बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी रंगोली से पोर्ट्रेट बनाते हैं तो अलग अलग टोन के आपके पास रंगोली होनी चाहिए, लेकिन वैसे टोन की रंगोली नहीं मिलती है पोर्ट्रेट के हिसाब से, तो आपको इस कलर का इस्तेमाल करना ही होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप जब भी रंगोली बनाते हैं, जब भी पोर्ट्रेट बनाते हैं रंगोली से, तो पोर्ट्रेट में अलग अलग कलर टोन होती है और वो कलर टोन हमें आसानी से नहीं मिलते, तो हमें इसके सहारे कलर टोन बनाना होता है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको इससे कलर टोन बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पर सफ़ेद रंगोली रखी हुई है और इसके साथ हम ये कलर मिलाएंगे और अलग अलग कलर टोन बनाकर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने पीला कलर लिया है। इसमें ऐसे ढीले होते हैं और ये जल्दी से ऐसे फूट भी जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ सफ़ेद रंगोली लेंगे और इसमें ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम कलर में स्टेनर मिलाते हैं उसी तरह से ये आप इसमें रंगोली में मिला सकते हैं और इस तरह से ये कलर बनता है। अब यहाँ पर डार्क हुआ है, आप इसमें सफ़ेद रंगोली और मिला सकते हैं और यहाँ से इसे लाइट भी कर सकते हैं। इसमें मिलाने का तरीका यही सही तरीका है। इस तरह से आप इसे ऐसे मिलाइए और कलर टोन बनाइए। अब अगर इसमें और भी सफ़ेद रंग आप मिलाएंगे, सफ़ेद रंगोली मिलाएंगे, तो और भी ये लाइट टोन बनेगा। ये लाइट टोन बनते जाएगा और ये कलर इसमें मिलाएंगे तो डार्क टोन बनते जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पीला कलर बनाकर दिखाया। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर बनाएंगे, दूसरा टोन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सफ़ेद रंगोली ली है। इसमें थोड़ा सा ये हरा कलर मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये कलर मिक्स होता है, जल्दी ही मिक्स होता है। जैसे हम पेंट में कलर में स्टेनर मिलाते हैं उसी तरह से ये कलर भी होता है। अगर हम रंगोली में इसे मिलाते जाएंगे तो हमें ये कलर मिल जाएगा, कलर बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा और सफ़ेद रंगोली मिलाएंगे तो ये लाइट टोन बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले पीला बनाया, फिर हरा, इसमें और सफ़ेद मिलाएंगे तो लाइट लाइट बनते जाएंगा और इसमें कलर मिलाएंगे तो डार्क बनते जाएंगा। यहाँ पर फिर से सफ़ेद रंग की रंगोली लेते हैं और इसमें ये ब्लू कलर मिलाकर देखते हैं। इसमें
इस तरह से कलर मिलाइए और रंगोली को अच्छे से घिस लीजिए और ये शेड बना दीजिए। आप जिस तरह से टोन बनाना चाहते हैं उस तरह से इस कलर की सहायता से टोन बन जाता है और आपको पोर्ट्रेट बनाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए हमें रेडीमेड रंगोली बनाकर नहीं मिलती है, हमें घर पर ही अलग अलग तरीके के टोन बनाने होते हैं, हमारे फिगर के हिसाब से पोर्ट्रेट के हिसाब से हमें कलर बनाने होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर हो गया है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कलर गिर गया, इसमें थोड़ा सा और ये ब्लू अगर हम मिलाते हैं तो ये और भी डार्क हो जाएगा। ये और डार्क हो गया, ये देखिए दोस्तों, और भी ये डार्क हो गया, और इसमें व्हाइट मिलाएंगे तो लाइट होते जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम सफ़ेद रंगोली लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये लाल कलर है, थोड़ा सा ये कलर मिलाकर हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर बना है, लाल बना है, कथिया जैसे दिखता है। आप अगर इसमें थोड़ा सा व्हाइट डालेंगे तो ये लाइट कलर बनते जाएगा, और इसमें और रेड डालेंगे, ये कलर मिलाएंगे तो ये डार्क बनते जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आपको इन सब कलर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो कलर रंगोली में आते हैं, लेकिन जो पोर्ट्रेट के हिसाब से है उस तरीके के टोन रंगोली में रेडीमेड नहीं मिलते हैं। फिर आपको इसी तरह से यही टेक्निक यूज करते हुए अलग अलग टोन बनाने होते हैं और इस तरह से पोर्ट्रेट बनाना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको रंगोली के बारे में जानकारी दी, रंगोली में मिलाने वाले इस कलर के बारे में जानकारी दी। इसे लेक कलर कहा जाता है, ये आपको आसानी से ही हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाता है, जहाँ पर आप पेंट खरीदते हैं वहीं पर भी आप पूछताछ कर ये कलर ले सकते हैं और आपने पोर्ट्रेट के हिसाब से अलग अलग टोन बनाकर रंगोली पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।